उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा भारत सरकार के पूर्व संचार मंत्री, आधुनिक पूर्वांचल के निर्माता, विकास पुरुष स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 32वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके समर्थकों ने इंद्राबाल विहार स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के समर्थक सैयद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन एवं मुख्यमंत्री काल में गोरखपुर एवं पूर्वांचल के विकास के लिए अनेकों महत्वपूर्ण योजनाओं एवं परियोजनाओं को शुरू किया था। उन्होंने कहा कि वीर बहादुर सिंह रामगढ़ताल परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना चाहते थे और 56 योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया था। इसी प्रकार गीडा परियोजना को प्रारंभ कर गोरखपुर को औद्योगिक विकास का हब बनाना चाहते थे तथा उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कर खेलकूद के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा राप्ती नगर आवासीय योजना को शुरू कर महानगरवासियों को स्वच्छ आवास एवं विकसित आवास देने का काम किया और गोरखपुर महानगर को सुंदर बनाने के लिए अनेकों पार्कों का निर्माण कराया। इसके अलावा स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पैतृक निवास स्थान हरनही महुराव में भी उन्हें याद करते हुए उनका पुण्यतिथि मनाया गया। इस मौके पर स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के अनुज गुलाब सिंह, खजनी की भावी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी अंशु सिंह सहित हरिद्वार सिंह, सैयद अल्ताफ हुसैन, राम सेवक सिंह, गोपाल सिंह, मनोज कुमार सिंह, जीत बहादुर सिंह, राधे मोहन श्रीवास्तव, अच्छेलाल प्रजापति, प्रमोद कुमार सिंह, कमलेंद्र पांडे, धर्मेंद्र मिश्रा, जयराम सिंह, विकास पांडे, ब्रज नारायण यादव, दीपक सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सैयद अल्ताफ हुसैन ने कहा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, बहादुर अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, बहादुर नाम रहेगा, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा। सैयद अल्ताफ हुसैन के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार की संचार मंत्री, आधुनिक पूर्वांचल के निर्माता स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की 32वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनके अनुयायी यहाँ उपस्थित होकर के उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गोरखपुर और पूर्वांचल के विकास के लिए अनेकों प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाएं लागू किया। रामगढ़ताल परियोजना, गीडा परियोजना, प्रेक्षा गृह, स्पोर्ट्स कॉलेज, ऐसी तमाम योजनाएं आज ये जो इंद्राबाल विहार है, गोलघर है, गोरखपुर शहर में जितने पार्क है, सब वीर बहादुर सिंह जी की देन है। वीर बहादुर सिंह जी गोरखपुर के विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम हमेशा करते रहे। उनके ना रहने से पूर्वांचल का विकास अधूरा रह गया। पूर्वांचल की जो विकास की योजनाएं थी वो अधूरी रह गई। नौजवानों का जो सपना था, छात्रों का जो सपना था, वो अधूरा रह गया। वीर बहादुर सिंह जी ने रामगढ़ताल पर्यटन स्थल को विकसित करके उनकी मंशा थी कि रामगढ़ताल के पर्यटन स्थल में ऐसा विकसित किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय लोग जो विदेशों से आते हैं, चाहे वो काठमांडू जाते हैं, चाहे काशी विश्वनाथ जाते हैं, वो गोरखपुर में रुके, जो कुशीनगर जाते हैं वो भी गोरखपुर में रुके। इससे विदेशी मुद्राएं गोरखपुर में आएंगी, गोरखपुर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, गोरखपुर और पूर्वांचल की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। आज वीर बहादुर सिंह जी नहीं है, हम उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि वीर बहादुर सिंह जी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग दिन रात प्रयास करेंगे। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।